गाइस कैसे हो? बारिश हो गई है, बंद, बिल्कुल बंद। अच्छा, यह है 35 किलोमीटर दूर और हैं हम। ये देखो, एक ने कुछ सांस दे दिया हमारा और कुछ मैंने अपने टेक्निक दिमाग से ब्रेक का इस्तेमाल कर लिया तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए। टेक्निक दिमाग क्या, ये जो इसका मोटर गार्ड है उसको मैंने दबा दबा के ब्रेक मार दिया। अब इससे नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होगा कि टायर पे भी नुकसान आ जाएगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोलते हैं ना, तो वही करना पड़ा। ब्रेक को मैंने इतने बार ठीक करवाया, नया चेंज भी करवा दिया, फिर भी ब्रेक या बारिश के कारण ऐसे हुआ है। तो रास्ते में भैया मिल गए मुझे और ये फोटो ले रहे। हेलो रोहिल भैया, पीछे चले गए तो भी थे। हेलो ये भी चल ही रहे, रास्ते में मिल ही जाएंगे वो। और हेलो, हाय, क्या नाम है? प्रणव। प्रणव, तो ये जा ही रहे हैं, हम भी साथ में जा रहे हैं, तो ये तो पहले पहुंच जाएंगे, हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे क्योंकि जल्दी बहुत जल्दी बहुत हाँ ये गजब है, गजब ये स्ट्रेंथ नहीं है। एक बार फोटो लो यार, हमारा लो। थैंक यू। आइए उधर ही मिलते बद्रीनाथ। तो जय बद्री विशाल जी की। हाँ हाँ, वो बोल रहे थे स्टैंड मेरा लगा हुआ है। ब्रेक पता है इतना धोखा दे दिया अभी कि गाइस मत पूछो, एक ही बार में ये रोक लिए, मैंने एक ही बार में ब्रेक डाल दिया। ऐसे रुका जैसे हो जाता है ना बाइक सब में पानी जाने के बाद ना, जैसे ब्रेक मारो डिस से भी हार्ड, तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। क्या व्यू है, ये पत्थर ना डेंजरस है। ये जो पुल पार करके इधर आएंगे तो ऐसा कुछ रोड है, बहुत ही खतरनाक रोड है यार। और केदारनाथ से ना, केदारनाथ में इतने खतरनाक रोड नहीं था, ये कीचड़ वीचड़, लेकिन इधर बद्रीनाथ वाले रोड में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड, और उधर तो और भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मैंने सोचा यार कुछ देखते हैं, और बिल्ली तो ये खड़ी है। ओके, तो मस्त से देख रहे हो कैसे गाए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं तो साइड में कर लिया हूँ, अब ये लोग निकल जाएंगे। भाई को देखो, खतरनाक रोड है यार, बहुत ही ज़्यादा। ये ऐसे लग रहा है इसमें जो दलदल टाइप होता है ना, वैसे है, देखो जाम हो जाते हैं। गाइज हमें लगी है अभी भूख, और मैं लगभग 3 किलोमीटर से यहाँ आ रहा हूँ। ये देखो बिल्लो खड़ी है इधर सामने, और पीछे हमारे दो रेस्टोरेंट है, एक वो और एक ये, तो दोनों में खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब यदि पहाड़ पे कहीं जा रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भूख भी लगती है। तो बोले हैं वही कि आगे 1 किलोमीटर के बाद कुछ मिलेगा तो खा लेना, इसमें बस नमकीन है और वही चाय वाय। कितना चाय पिए यार, चाय पी करके फिर तबीयत भी ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे खाना मिल गया, चावल दाल, बहुत ही अच्छा लगा खा करके यार, बहुत ही टेस्टी खाना था। और यहाँ पे ये भैया मिल गए मुझे जो हर यूट्यूबर को रुकवा करके यहाँ पे वीडियो बनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश तवारी।
अभी है लगभग 19 किलोमीटर दूर। इधर भी है यही। आवाज भी सुनाई नहीं देगा, क्या बोलोगे, कुछ तेज धारा है। ओ भाई साहब आगे। हेलो गाइज, टाइम हो रहा है 5:45। देखो पूरा अंधेरा। चलते हैं गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो गाइस मैं कल जब शाम को आ रहा था, और कल का दिन तो ऐसा था कि मैं जोशी मठ से 6 किलोमीटर पीछे से आ रहा था, और वहाँ से पैदल यहाँ पे हनुमान चट्टी तक पे पैदल ही आया था। और वहाँ पे पीछे एक भैया से पूछा तो बोले कि ऐसा करो हनुमान चट्टी पे जाओ तो वहाँ पे कुछ रूम वूम तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं रूम वूम रहने का। तो कल शाम में मैं 6:30 जब आया तो रास्ते में ही मुझे एक जहाँ पे टूल वूल बनते हैं ना, तो उधर जो लेबर वेबर रहते हैं तो उन्हीं का जो घर बना हुआ होता है वहीं पर उन लोगों ने आग लगा के रखे थे, मतलब आग जला के। तो मेरा हाथ भी बहुत ही ठंड के मारे अकड़ गया था, क्योंकि कल मतलब 45 किलोमीटर में पैदल ही आया, और वो भी हैंडल पकड़ के, रेनकोट तो पकड़ा हुआ था बट हाथ में तो कुछ लगाया था नहीं, तो इसके कारण मेरा हाथ अकड़ गया था। तो मैं आग देख के मैं वहाँ पे लगभग 11:30-11 बजे तक नाइट में बैठा रह गया, और पूरे जब हाथ गर्म हो गया, फिर उसके बाद उन लोगों ने फिर चले गए, बोले कि भैया अब ऐसा करो आगे तो मिलेगा कुछ नहीं तो आप यहीं पे रुक जाओ आज। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो 11:30 बजे तक वो लोग चले गए, फिर साइकिल को मैंने वहीं पे अपनी बिल्लों को अंदर कर दिया, और वहाँ पे मैंने कम से कम 1:30 बजे तक, जब तक आग ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं वहीं पर था। और 1:30 बजे आकर के फिर 1-2 घंटा फिर मैं आराम किया वहीं पे, और 1-2 घंटा आराम करने के बाद ये यहाँ से हनुमान चट्टी यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे ही था, और फिर वहाँ से आगे आया मैं हनुमान चट्टी। और यहाँ पे नाइट में आया भी था मैं देखने के लिए कि है कुछ ऐसा, तो कोई भी नहीं, बस ये 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें यहाँ पे कोई, और ये सामने पुलिस चौकी है, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। और तो और बारिश बोल रही है कि मैं कल से आज तक मैं बंद ही नहीं हूँ, तो बारिश अभी भी हो रही है। मौसम बाहर का देख लो कैसा ही खतरनाक मौसम है, कुछ आगे दिखेगा नहीं आपको, पूरा कुहासा 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 कुहासा। और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है जिसे हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है, तो जय वीर बजरंगी हनुमान जी की जय जय। तो ऐसा कुछ है मौसम, और बिल्लो तो इधर खड़ी है। बाकी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपने अंतिम चाय की दुकान तो सुनी होगी माना में, और यहाँ पे प्रथम चाय की दुकान है ये देख लो, और यहाँ के बाद आपको सीधे बद्रीनाथ में ही चाय मिलेगी, है ना भी ऐसा ही है ना। देखो ये रोड बहुत ही ख़राब है यार, बद्रीनाथ जी का रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको कहीं भी सही रोड नहीं मिलेगा। और ये देखो कुछ ऐसा व्यू है, और बस 9 किलोमीटर रह गया है, तो चलते हैं गाइज, सावधानी से चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ है, हाथ फिर से काम नहीं कर रहा गाइज, फिर से हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। हेलो गाइज, कैसे हो? हमारी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। देखो
बारिश भी हो रही है, अब धूप निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, धूप निकलेगा तभी थोड़ा सही रहेगा। ऐसा कुछ है, बस आधा किलोमीटर दूर है, बस ये रोड ऊपर और वहाँ से सीधा। साफ, ये देखो पूरा कोहरा लगा है अभी तक, धूप आ जाए तब तो मज़ा आ जाएगा गाइस। भैया क्या है कुछ खाने में, क्या है? मैगी। मैगी क्या ला दो? चावल है। हाँ दाल चावल दे दो, और पहले तो एक चाय दे दो। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, ठंड कल से पैदल ही आ रहा हूँ जोशीमठ से, छः किलोमीटर पीछे से। यहाँ पे गर्म कुंड होगा ना? गर्म कुंड है। चावल दाल है, भाई ने भी पहले पूछा मैगी बना दूँ, मैं कहा नहीं भाई चावल और कुछ है तो उसके अलावा दे दो, तो ये भाई ने चावल डाल सही है। उसके बाद चलते हैं मस्त से और खाली पेट भगवान को दर्शन करने में भी मज़ा नहीं आता। अब खाए रहेंगे, मन से पूजा करेंगे, नहा धो के आराम से, और फिर ओके उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये भाई भी यूट्यूबर ही है। हेलो भाई। और ये भी वीडियो वीडियो बनाते हैं, ये पहाड़ी हैं, बाकी इधर ही रहते हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो क्या नाम से है भाई? रिस्की राइडर 70। तो भाई सब क्या खतरनाक नाम है यार, मार्केट हो ये देख लो, यहाँ पे शॉल वगैरह लेना है, स्वेटर वेटर तो ये मिल जाएंगे आपको। सुबह से बस वहाँ से हनुमान चट्टी से बस चाय पी के निकला था, 11 किलोमीटर भाई साहब लग रहा था 32 किलोमीटर है। तो इस बीच में कुछ भी नहीं है, तो यदि आप आओ, यदि पैदल या फिर वो साइकिल वाइकल से यदि आपका मन करे आने का, तो आप अपना खाने पीने का सामान रख लिया करो। नज़दीक में आ गए तो वीडियो फिर से छोटा कर लिया। दिल्ली नागलो भी है। नागलो? हाँ जी। कौन से ब्लॉक से? नागलो किराड़ी। किराड़ी? हाँ लाल मंदिर। लाल मंदिर मिथिला बिहार। इधर से हो? अच्छा करोल बाग से। इतना अंदर पूछे मुझे लगा उधर के ही होंगे। अच्छा इधर, इधर दूध बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह। दिल्ली दिल्ली आज 13वां दिन है। दिल्ली केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, 13वां दिन आज है। जय भोलेनाथ, जय बद्री विशाल। तो कहाँ से आए मेरे दिल्ली? अच्छा वो देखो जी मंदिर, भीड़ ज़्यादा तो नहीं है। हाँ पहुँच ही गया। थैंक यू भैया।
इधर लगा दे इसको, कोई है भैया? भैया लगा दे इसको। तो ये भैया मिल गए हमें रास्ते में, जब आ रहे थे ना तो ये लोग मिले हुए थे। बाकी हाय हाय कर दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दबा के करना है। बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम इससे भी लंबा ट्रिप सोच रहे हैं, उससे भी आगे जाए, और यहाँ से तो सीधा आप दिल्ली जाएंगे। चलो भैया बहुत बहुत बधाई हो गया, बेस्ट ऑफ लक। और भैया का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है भैया, बाय। थैंक यू सबको। ओके थैंक यू भैया। ठीक है बिल्कुल भाई। तो भी अच्छा लगता है यार, लो इधर खड़ी है, उसको लेके जाते हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ से कोई छेड़ेगा तो नहीं साइकिल को, लेकिन बोल रहे हैं कि भाई कोई साइकिल तो नहीं छेड़ता। 1 2 3 तो हम पहुँच गए बद्रीनाथ। देखो गाइस कितनी भीड़ है। साइकिल से आए देखे? अच्छा थैंक यू। यूट्यूब पर आएंगे आप? हाँ यूट्यूब पर। शुभम झा से है, शुभम झा, शुभम झा, हाँ शुभम ब्लॉग्स आ जाए। ठीक है थैंक यू अंकल जी, पहचान गए, देख रहे थे मुझे। मैं कहा कि साइकिल से, हाँ हाँ मैं पहचान गया। तप्त कुंड पे, यहाँ पे तप्त कुंड है, मतलब गर्म कुंड, वहाँ पे नहाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर आते हैं। नहा धो के रेडी हो गया, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था यार, मिक्स करके नहाना पड़ा है। तो ये हैं बद्री नरेश जी, जय बद्री किसान जी। अभी मंदिर का पट बंद हो चुका है और ये खुलेगी 3 बजे के बाद। मंदिर कुछ इस तरह के है, पट तो अभी बंद है। भक्तजनों वेट कर रहे हैं मंदिर का पट खुलने के लिए, तो हम भी वेट कर लेते हैं फटाफट। 3 बजे तक है, अब उधर जाऊँ फिर इधर दिक्कत हो जाएगी, फिर दोबारा आना पड़ेगा, है ना, उसके कारण वेट कर लेते हैं। 3 बजे तक खुलेगा, दर्शन करके फिर चलेंगे माना गाँव। अंकल जी लग नहीं रहा यार बद्रीनाथ की तरफ लिखा हो।
जय बद्री नरेश की जय। हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे अंकल जी बैठ गए, तो हमें जगह नहीं मिलेगी। तो गाइस देखो कितनी भीड़ है। बोल विशाल बद्री आपकी जय। बाबा बर्फानी की जय। भगवान की लक्ष्मी माता की हर हर महादेव। अभी बारह ज्वाइन कर लिए सबको, बुजुर्ग को भी मैं करूंगा, दोबारा करूंगा एक बार। तो गाइस बोलते हैं ना कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। केदारनाथ भी, तुंगनाथ भी, चंद्रशिला भी, और आज बद्रीनाथ का भी, वो भी साइकिल से। हर हर महादेव। जय बम बम भोले, जय बद्री नरेश की जय, जय बद्री विशाल की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यार कभी सोचता था कि यार बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, लोग कैसे जाते हैं वो पहाड़ के साइड हेलीकॉप्टर से। तो बहुत दिन पहले लगभग मैं भी सोचता था, एक साल पहले की बात है, हम लोग दोस्त यार ऐसे सोचते हैं यार कैसे जाते हैं वहाँ पे, क्या क्या मेडिकल करवाना पड़ता है। जब बाबा का बुलावा आया ना तो कुछ भी नहीं, ऐसे एक ही दिन में, एक दिन में प्लान बना और सेकेंड दिन सीधा साइकिल उठाया और सीधा अपने जहाँ बाबा ने बुलाया, हर एक एक चीज़ को अचीव किया। तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस जी कि जब जब मैं सोचता था कि यार कभी केदारनाथ जाऊँगा, बद्रीनाथ जाऊँगा, आज तीनों चारों पूरा हो गया, और वो भी साइकिल से। तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी मेहनत तो बहुत हुई है बद्रीनाथ आने में, वैसे केदारनाथ में भी बहुत ही, साइकिल को उठा के वहाँ तक ले जाने में। बाकी सब कुछ हो गया, बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार, रास्ते में जितने प्यार देने वाले थे, सब मोटिवेट करने वाले। आज तो मैं इतना भी थक गया था कि मुझे नहीं हो रहा था कि मैं बद्रीनाथ पहुँच पाऊँगा, ऐसे बैठ गया था। बारिश भी, उसके बाद कुहासा, ठंड, हाथ तो मेरा अकड़ सा गया था, खुल ही नहीं रहा था आज मेरा। बाकी सब कृपा है इनकी, जब बुलाएं तो क्या होगा कुछ। जय। तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ब्लॉग आज यहाँ से मना जाएंगे, और मना जाने के बाद फिर दिल्ली के लिए रिटर्न, और उसके बाद जाने के बाद ब्लॉग आएगा, और आप लोगों का प्यार रहा ना तो इससे और भी लंबी ट्रिप, वो भी साइकिल से ही होगा। तो बस प्यार बनाए रखना। और दर्शन सारा कुछ, चलते हैं बस अब मना, नहीं तो फिर उसके बाद लेट हो जाएंगे, नाइट हो जाएगा। तो चल रहे हैं गाइज अपने बिल्लो के पास, देखते हैं बिल्लो कहाँ पे है। यहाँ से रखे हैं, वहीं पे है या कहीं और चले गए। एग्जिट है ये, चलते हैं। हर हर महादेव। जय भोले।